Assalamu alaikum dear students, today we are learn about practice set number 12, mashki set number 12, multiply, zarb kijiye. तो आइए बच्चों, यहाँ पे practice set number 12 हम सॉल्व करते हैं. First question is 7 upon 5, multiple 1 upon 4. यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करने का है, जर्ब करने का है. तो ध्यान में रखिए, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, नसब नुमा और शुमार कुनिंदा. ऐसे वक्त में व्हेन मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर इज रिटर्न इन द न्यूमरेटर एंड दैट ऑफ द डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर. दो कसरों का जर्ब करते वक्त शुमार कुनिंदा का हासिल जर्ब शुमार कुनिंदा में लिखना है और नसब नुमा का हासिल जर्ब नसब नुमा में लिखने का है. बहुत ही ईजी है, ध्यान में रखिए. तो चलिए, फाइव फोर ज हमें पता है, फाइव फोर ज होते हैं 20. उसी तरह से सेवन वन ज़ा 7, आवर आंसर इज कंप्लीटेड. बहुत ही ईजी. मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि When multiplying two fractions, one fractions and two fractions, the product of the numerator is written in the numerators. And 7 ones are 7. उसी तरह से and that of the denominator in the denominator. 5 और 4 ये दो denominator है, तो इन दोनों का multiple होगा 5 4 is 20. 7 upon 20. This is our first answer. चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, सिक्स अपॉन सेवन मल्टीप्लाई टू अपॉन फाइव. जैसे कि हमने इससे पहले देखे थे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करने का और इधर आंसर लिखने का है, बिल्कुल उसी तरह से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ. तो सेवन फाइव हो जाते हैं 35 और सिक्स टू जो हो जाते हैं 12. शुमार कुनिंदा का शुमार कुनिंदा के साथ जर्ब करके यहाँ पे आंसर लिखना है. उसी तरह से नसब नुमा का नसब नुमा के साथ जर्ब करके यहाँ पर आंसर लिखने का है. तो सेकेंड आंसर है 12 अपॉन 15, 35. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 9. ये भी बहुत ही ईजी है, ध्यान में रखिए. सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद 5 4 ज 20. आई राइट हियर 20, 9 9 ज 81. आवर आंसर इज कंप्लीटेड. शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर जिसको कहा जाएगा 5 4 ज 20 और यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा 9 9 ज 81. उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 4 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7. यहां पे मैं सॉल्व करता हूं आगे. 4 2 8 और 11 7 ज 77. आवर आंसर इज 77 यानी 8 अपॉन 77. दिस इज अ फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन, 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2. 7 वन ज 7 या 1 7 ज 7 और 5 2 ज 10. Now, question number 6, I write here 9 upon 7 multiply by 7 upon 8. अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान में रखिए. सबसे इजी मेथड यहाँ पे मैं ही बताता हूँ आपको. 7 7 क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, बचे यहाँ पर
नाइन अपॉन एट, और आंसर इज नाइन अपॉन एट। अगर इसको दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना है तो इस तरह से होगा वो, नाइन सेवन जा 63 अपॉन 78 जा 56। फिर वो दोनों कौन से टेबल में आते हैं, तो ये दोनों सेवन के टेबल में आते हैं, 78 जा 56, यहाँ पे 8 आएंगे, और 79 जा 30 63, तो यहाँ पे 9 आएंगे, यानी 9 अपॉन 8। तो ये इजी वे यहाँ पे यही है कि 77 डिवाइड हो जाएगा, 9 अपॉन 8 यहाँ पे आंसर बचेगा। चलिए इसके बाद हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 5। ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने इससे पहले सॉल्व किए थे। यहां पे मैं सबसे पहले उसको राइट करता हूं, राइट हियर। फिर देखिए यहां पर 5 6 30, 6 5 30, 31 30, तो यहां पे आंसर आएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इसको और इजी तरीके से करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 6 वन जा 6, यहां पे 1 आंसर बचेगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 6 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2। अब इसको किस तरह से हल करना है तो प्यारे बच्चों देखते हैं। टू वन जा 2 और 2 3 जा 6। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे 17 वन जा 17 हो जाएगा, 17 वन जा 17 और 3 3 जा 9, यानी यहां पे आंसर आया हमारा 9 अपॉन 17। तो बहुत ही इजी है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का, अशोक राव प्लांटेड बनाना ऑन 2/7 ऑफ हिज फील्ड ऑफ 21 एकर्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन? अखलाक अहमद ने अपने 21 एकड़ खेत के 2/7 हिस्से में केले की काश्त की, तो केले की काश्त का कुल रकबा कितना है? तो यहां पे हमको मालूम करने का है एरिया। तो ध्यान में रखिए, बहुत ही इजी है प्यारे बच्चों। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं इस तरह से, 2/7। ये देखो यहां पर 2/7 किसमें से है, ये 2/7 ऑफ 21 एकर्स। ओके, उसको उर्दू में इस तरह से आएगा उसका 2/7 का 21 एकर। तो बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 21 एकड़ का 2/7 इस तरह से आएगा, तो ध्यान में रखिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। टू अपॉन सेवन यहां पे मैंने ये उतार दिया यहां पर, और ये 21 मल्टीपल बाय 21 एकर्स के यहां पे 21 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है हमको, इजीली यहां पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, 7 1 7 और 7 3 21, फिर इन दोनों का मल्टीपल किया जा सकता है। तो देखिए यहां पर 2 3 6 आंसर आएगा यहां पर 6। अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 6 एकर्स ऑफ द फील्ड, यानी अखलाक अहमद ने 6 एकड़ खेत में केले की काश्त की। अखलाक अहमद ने 6 एकड़ में केले की काश्त की। उसी तरह से
इंग्लिश में इस तरह से आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए, अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑफ 6 acres ऑफ द फील्ड। अब इसको और इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, ध्यान में रखिए, यहां पर 2/7 मल्टीपल बाय 21। तो यहां पर 21 को हम अलायदा भी कर सकते हैं इस तरह से, 2 हमें पता है 3 7 21 होता है, तो 3 मल्टीपल बाय 7/7, फिर 7 7 कट हो जाएंगे, फिर 2 3 6, आंसर वही आएगा यहाँ पर 6। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ सोल्जर इन अवर आर्मी 4/9 द आर पोस्टेड ऑन द नॉर्थन बॉर्डर एंड 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थन एस्टर्न।